जय श्री राम। नमस्कार प्रिय साथियों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्योतिष के दार चैनल पर। आज का हमारा विषय है मेष राशि पर मार्च मास का फलादेश जानेंगे, क्या आपको फल प्राप्त होगा, शुभ और अशुभ के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार ग्रहों का आपस में राशि परिवर्तन होता है उसी प्रकार ही हमें हमारे जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रिय साथियों, मेष राशि पर दैनिक ग्रहों की दृष्टि को जान लेते हैं। आपकी राशि पर राहु का गोचर चल रहा है। आपके व्याभाव में भाव्य भाव में गुरु और शुक्र उच्च राशि स्वय राशि गत है। आपके द्वितीय भाव में मंगल 7 मार्च तक गोचर करेगा, उसके बाद मिथुन राशि में गोचर करेगा, जिसके फलस्वरूप आपको उन ग्रहों की दिशा के अकॉर्डिंग क्या फल प्राप्त होगा जानेंगे। प्रिय साथियों, राहु लग्नस्थ तथा शनि की दृष्टि के कारण स्वभाव में उत्तेजना होगी, अधिक क्रोध रहेगा और व्यर्थ की भागदौड़ बनेगी। व्यासना एवं नौकरी में आपको संघर्षपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। संघर्ष करने पर भी विशेष धन की लाभ प्राप्ति नहीं होगी प्रिय साथियों, परंतु शुक्र और गुरु आपके व्यास स्थान में होने से आपको विदेश घर से बाहर जाकर आपका कार्य में आपको पूर्ण सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे प्रिय साथियों, परंतु 13 से मंगल तृतीयस्थ होने से बिगड़े कार्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में कष्ट रह सकता है, आपके पेट में दर्द रहेगा, शरीर में अधिक गर्मी रहने का योग बन रहा है, जिसके कारण आपका मन बेचैन रहेगा प्रिय साथियों। आप अकेला रहना अधिक पसंद करेंगे, मित्रों के द्वारा आपको धोखा मिलने का योग बन रहा है, जिसके कारण आपका मन अति दुखित होगा प्रिय साथियों। बात करते हैं इस मास में पैसा आने की। इस मास में आपको धन प्राप्ति के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। 13 के बाद आपको कुछ धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, किंतु इस मास में आपका खर्चा अधिक रहने का योग बन रहा है, आपका फालतू खर्चा भी रहेगा। आपकी राशि का स्वामी तृतीयस्थ होने से मेहनत के द्वारा आपको भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे। बात करते हैं व्यापारी वर्ग की। व्यापारी वर्ग के लोगों को इस मास में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको व्यापार में थोड़ी सी मंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके व्यापार में आपका मन कम लगेगा, मन बेचैन रहेगा, अधिक संघर्ष के बाद ही आपको व्यापार में धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे प्रिय साथियों। उधार देख कर दें, इस मास में दिया गया उधार आपका वापस नहीं लौट कर आएगा प्रिय साथियों। बात करते हैं नौकरी इत्यादि की। इस मास में आपको नौकरी प्राप्ति के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। जो लोग नौकरी इत्यादि कर रहे हैं आपको संघर्षपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपके बॉस के साथ आपके मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होंगी। जो सरकारी इत्यादि पदों पर युक्त है उन पर कोई विशेष इल्जाम लगने का यहाँ पर योग बन रहा है। कृपया ध्यान रखें, ध्यानपूर्वक कार्य करें, नहीं तो आपको माली नुकसान भुगतना पड़ सकता है। प्रिय साथियों, मेष राशि वालों, इस मास में आपको नौकरी प्राप्ति के लिए फालतू की भागदौड़ भी बनेगी, परंतु मंगल और गुरु के द्वादश होने के कारण यदि आपकी कुंडली में ये ग्रह शुभ हैं तो आपको इस मास में नौकरी के योग बनेंगे। विदेशी यात्राओं का भी इस मास में आपको शुभ लाभ प्राप्त हो सकता है प्रिय साथियों। बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग की। विद्यार्थी वर्ग को विद्या क्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। पढ़ाई में मन कम लगेगा, मन बेचैन अधिक रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी आपका साथ नहीं देगा, जिसके कारण आप विद्या क्षेत्र में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आपको इस मास में गुस्सा भी अधिक रहेगा, जिसके कारण आपका पढ़ाई में मन कम लगेगा, आपकी फालतू की भागदौड़ बनी रहेगी, क्षेत्र में आपको संघर्ष परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। विदेशी यात्रा इत्यादि के योग बन सकते हैं प्रिय साथियों। बात करते हैं विवाह इत्यादि की। मेष राशि वालों, आपको इस मास में विवाह इत्यादि का सुख कम प्राप्त होगा। जो लोग विवाहित हैं उनका अपनी धर्मपत्नी के साथ मतभेद की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, आपके विचार कुछ कम मिलेंगे, विचारों में कुछ अंतर आ जाएगा प्रिय साथियों। यह हम पर कुछ ग्रहों की दृष्टि के कारण ये होने की योग बन रहे हैं प्रिय साथियों। आप में शंका करने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाएगी और आप में अधिक गुस्सा होने के कारण भी आपके धर्मपत्नी के साथ आपके मतभेद की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं प्रिय साथियों। आपको मार्च के बाद ही विवाह, जो लोग अनमैरिड हैं उनको मार्च के बाद ही विवाह इत्यादि के योग बन सकते हैं प्रिय साथियों। बात करते हैं उपाय इत्यादि की। जो आपको पिछले एक वर्ष से संघर्षपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, मित्रों के द्वारा अपनों के द्वारा आपको धोखा मिलने का योग बन रहा है और आपको कारोबार में जो माली नुकसान भोगना पड़ रहा है तथा आपको आय के नए स्रोत नहीं प्राप्त हो रहे तो आपको जीवन में अधिक दुख आ रहा है, तो इसके लिए आपको उपाय जान लेने चाहिए प्रिय साथियों। इस मास में आपको सप्तधान्य सवा 7 किलो शनिवार के दिन गौशाला में दान करना आपके लिए अति उत्तम है। भगवान भोलेनाथ पर तिलों
से अभिषेक करना आपके लिए अति उत्तम है। और लौंग भगवान शिव पर 41 दिन लगातार अर्पित करने से आपको राहु ग्रह से शांति प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी ग्रह आपकी राशि पर राहु के कारण आपको फालतू की समस्या एवं कष्ट इत्यादि के योग बन रहे हैं। राहु की शांति के लिए सबसे बेस्ट उपाय भगवान भोलेनाथ पर 41 दिन लौंग अर्पित करने से राहु ग्रह की शांति मिलती है। अपने साथियों।